मेरी राह तुझसे, मेरी चाह तुझसे, मुझे बस ही रह जाना, लगी है तेरी आदतें जब से है। पूरा सिंपल ट्रिक है गाइज, आप भी कुछ इस तरह इफेक्ट स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनमा स्टोर को ओपन करना है। ये काइनमा स्टोर का न्यू वर्जन गूगल में मिल जाएगा। ओपन होने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाके इस साइज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रिएट। अभी क्या करना है, यहाँ पे चार ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले डाटा को ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके चार ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है दिखा देता हूँ। क्रोमाटिक जूम, उसको भी डाउनलोड करना है। पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, नहीं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। चार ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करने के बाद एफएक्स में जाके यहाँ पे एक इफेक्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस इफेक्ट को ब्लिंकिंग लाइट, उसको भी पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद बैक जाएंगे, उसके बाद आपका म्यूजिक के हिसाब से यूट्यूब से एक वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को ऐड करना है। यहाँ पर ऐड होने के बाद इस वीडियो का साउंड को पहले म्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे म्यूट करने के बाद यहाँ पे ऑडियो को ऐड करना है। ऑडियो नहीं होगा तो वीडियो को ऐड करके भी बाद में एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, वीडियो को डिलीट। उसके बाद थोड़ा सामने से ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्रिम करने के बाद इस साइज के हिसाब से पान एंड जूम में जाके साइज कर लेना है पूरा सेम। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे जूम करके साइज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके बैक जाएंगे। अभी क्या करना है, इस वीडियो का अंदर अच्छा अच्छा सीन देख के स्प्लिट करेंगे, दिखा देता हूँ। इस वीडियो को चार पार्ट करके स्प्लिट किया, देख सकते हो। अभी क्या करना है, म्यूजिक का बीट मार्क हिसाब से यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन लगाएंगे। इस प्लस आइकॉन में जाके पहले लगाएंगे जूम ट्रांजैक्शन को, यहाँ पे क्लिक करके 05 उसको लगाएंगे। लगाने के बाद प्ले करके देख सकते हो ठीक से मैच हुआ है कि नहीं। मैच नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप स्लाइड करके कुछ इस तरह मैच कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो को देख के चार ट्रांजैक्शन को लगाएंगे, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। फर्स्ट लगाएंगे जूम ट्रांजैक्शन, सेकंड में क्रोमाटिक जूम, और थर्ड में विनर्स प्लस, फोर्थ में मैग्नेटिक जूम। चारों ट्रांजैक्शन को पूरा अच्छा से सेट करना है। चार ट्रांजैक्शन को पूरा अच्छा से लगाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे एक इफेक्ट लगाएंगे ब्लिंकिंग लाइट। उसके बाद ब्लिंकिंग लाइट को थोड़ा जूम करके अच्छा से सेट करना है वीडियो का साइज हिसाब से। सेट करने के बाद वीडियो का ड्यूरेशन हिसाब से उसका ड्यूरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे।
थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। पूरा अच्छा से ट्रांजैक्शन और इफेक्ट को लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके पूरा हाई क्वालिटी में सेव कर देना है। उसके बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, ये ऐप भी गूगल में मिल जाएगा। ओपन होने के बाद प्लस में क्लिक करके वही सेम साइज को सिलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके जिस वीडियो को सेव किया था काइनमास्टर का अंदर, उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके ऐड करना है। ऐड होने के बाद प्लस में जाके यहाँ पे एक सेव को ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद थ्री डॉट में जाके फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद वीडियो के हिसाब से इस सेव का ड्यूरेशन को भी बढ़ाएंगे। इतना तक आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरा सेम साइज हो जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाएंगे। उसके बाद एड इफेक्ट में जाके यहाँ पे सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। कॉपी बैकग्राउंड का ऊपर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाएंगे। उसके बाद एड इफेक्ट में जाके अभी सर्च करना है गॉसियन ब्लर, उसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गॉसियन ब्लर को यहाँ पे 0.705 करना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाके आप भी सर्च करना है एक्सपोजर गामा, उसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोजर गामा को माइनस का साइड लेंगे, -0.78। उसके बाद प्लस में क्लिक करके और एक सेप को ऐड करना है। इस सेप को यहाँ पे वाइट कलर करके यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इस वीडियो के हिसाब से उसका ड्यूरेशन को भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके पूरा लास्ट में आएंगे। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरा सेम साइज हो जाएगा, देख सकते हो। अभी क्या करना है, रेक्टेंगल वन को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस का ऊपर क्लिक करके सबट्रैक कर देना है। उसके बाद रेक्टेंगल टू को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का ऊपर जाके ओवरले कर देंगे तो पूरा HDR हो जाएगा वीडियो हमारा। वीडियो को सेव करने के बाद प्ले करके दिखा दूंगा, अभी बहुत स्लो स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए।